हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्याम कुलश्रेष्ठ, मैथ्स टीचर फ्रॉम एस के एल जी डी पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो मैंने इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। अब इसकी जो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट लूज बाई 5 गोल्स, ठीक है। इसमें हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में आंसर देना है। इसमें मैच कितने गोल से आ रहे हैं हम, 5 गोल से, तो ये क्या हो गया, -5, ठीक है। अब कुछ है, मैंने एग्जांपल लिए हैं जिसमें साइन कौन कौन से लगने हैं। जैसे लॉस है माइनस, एबव प्लस, प्रॉफिट प्लस, फॉल यानी गिर रहा है तो माइनस, डेबिट मतलब कोई चीज़ निकाल रहे हैं हम बैंक से या कहीं से, क्रेडिट मतलब प्लस। अब जैसे आया क्रेडिट ₹25 लाख, तो क्या लिख देंगे, +25 लाख। लॉस 5 विकेट्स तो -5, एबव 50 मीटर तो +50, प्रॉफिट ₹50 तो प्लस। यानी अगर लॉस आए तो माइनस लगाना है, एबव आए तो प्लस लगाना है, प्रॉफिट आए तो प्लस लगाना है, फॉल आए तो माइनस, डेबिट आए तो माइनस लगाना है, क्रेडिट आए तो प्लस लगाना है। जैसे ये था, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट, 0 -5 में ये बताना है कौन सा बड़ा है। तो आपने छोटी क्लासों में साइन पढ़े होंगे, ये किसका होता है, लेस देन का, ये किसका होता है, ग्रेटर देन का। अब इसमें ये बताना है कौन सा बड़ा है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 0, ग्रेटर देन -5, ठीक है। माइनस जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने बड़े होंगे वो ही छोटा होगा। जैसे कि हमसे पूछा गया -100 और -1 में कौन सा डिजिट बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, -1 ग्रेटर देन है, ठीक है। -250 और -1500, इसमें कौन सा बड़ा है, तो -250। माइनस में जो डिजिट जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है माइनस वाली, प्लस में तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक, इसे मॉडुलस भी बोलते हैं। अब जैसे इसमें कोई भी नंबर है, -2 है, तो जब इस साइन को हम जब हटाएंगे तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 100, माइनस के 100 की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस के 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब जैसे दे रखा है -300 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगी, 300। यानी जब भी ये वाला ब्रैकेट खुला होगा तो वो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, यही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर। अब देखो कुछ टाइप के ऐसे होते हैं, -2 + 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर सॉल्यूशन करो। -2 में से +1 गया तो कितना बचा, -1। अब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1, ठीक। जब भी ऐसी तरह के क्वेश्चन हो तो पहले इसको अंदर सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो आंसर आए उसको फिर ओपन करिए। अब आते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हो छोटी क्लास से, एक बार फिर कर देता हूँ। जैसे नंबर दे रखे हैं 2, 32, -2, 0, 81, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा,
सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है? माइनस के 2, फिर 0, फिर उसके बाद 2, फिर 32 एंड लास्ट वन 81। तो ये किस में आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है इसके। जैसे इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसमें सबसे बड़ा आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता है इसमें। सबसे बड़ा कौन सा? 81, फिर 32, फिर 2, फिर 0, देन आफ्टर -2। ठीक, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ओके, प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं जो सुनने में इजी लग रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, माइनस के 22 प्लस के 17, इसमें क्या करना है? इसमें ये देखते हैं साइन कैसा आ रहा है। साइन दोनों में डिफर है, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा नंबर, ठीक है? तो इसमें बड़ा कौन सा है? दिस वन, माइनस के 22। 22 में 7 गए कि तो कितना बचा? 5। अब देखो, स्टूडेंट मोस्टली, मोस्टली से मतलब अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें साइन कौन सा आएगा। तो साइन हमेशा ध्यान रखो, वो आता है जो डिजिट बड़ी हो। तो इसमें डिजिट बड़ी कौन सी है? 22, तो इसका साइन आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 माइनस 8, 8 में से 2 गया 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो डिजिट बड़ा होता है, माइनस के 6। ठीक, एक कंडीशन कैसी होती है? -2 -5 दे रखा हो, इसमें क्या है? दोनों साइन सेम है। इसमें क्या है? दोनों साइन सेम है, तो डिजिट जुड़ जाएंगी। 5 पर 2 7, लेकिन साइन वही आएगा। यहाँ ये नहीं बोलना सर माइनस 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 तो प्लस होते हैं, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस कब होते हैं? जब मल्टीप्लाई होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस जब होता है, जब मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। ध्यान रखो, अगर साइन सेम है तो प्लस होगा डिजिट, अगर साइन डिफर है तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन डिजिट के अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ 22 बड़ा था तो इसका साइन लगा, इधर 8 बड़ा था इसलिए इसका साइन लगा। अगर मान लिया ऐसा हो 25 माइनस 22, तो आंसर कितना आया? 3। किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि इसमें डिजिट कौन सा बड़ा है? 25। 25 में क्या लग रहा है? प्लस, प्लस को हम शो नहीं करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये इंटीजर्स में ये ध्यान रखने ये वाली चीज़ें, ये आगे भी काम आती हैं। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और इसी में से ले लेता हूँ। -10 प्लस 2 -3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है? पहले माइनस माइनस के जो डिजिट हैं, लाइक टर्म्स बोल लो जिसको, इनको ऐड किया तो कितना आ गया? -13, और ये +2, तो 13 में से 2 गया 11। साइन किसका आएगा? माइनस का। क्लियर? ठीक है, अब मैं व्हाट्सएप पर आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा। आपको करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर व्हाट्सएप से सेंड करिए। ओके, आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।